हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारी बिंदी कहाँ जा रही है? एक तो छोटी बिंदी लगाओ है, ऊपर से ये ऊपर इतनी चली जा रहे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया और बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है देखने के बाद तो वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभी आई हूँ छत पे, और जो है छत आज सोचा था कि क्लीन करेंगे, रूम को भी सेट करना है उसको, और सारा जो लोहे का सामान था, कुछ वैसा सामान था, वो सब सामान जो है वो निकाल के रख लिया है। जो लेने वाले भैया वो भी आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है सारे कपड़े हम निकाल रहे थे, यहाँ पे सारे रखे हुए थे, तो मैं ये सारे ही कपड़े जो है वो अलग अलग कर रही थी। तो बस यहाँ पे दीदी भी आई हुई हैं, और आज सभी लोग आए हुए हैं घर से ना, मम्मी पापा दीदी बच्चे सभी लोग आए हुए हैं। तो सभी लोग नीचे हैं, पापा जी कहीं शादी में गए हैं और मम्मी बच्चे जो हैं वो नीचे हैं। तो इस वाले रूम की रैक्सीन भी आ गई है, और जब डल जाएगी, जब ये पूरा रूम सेट करेंगे, तब हम आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे कि किस तरीके से इस रूम को हम तैयार करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे पापा जी बैठे हैं और ये भाभी आई हुई हैं, तो मैं इनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी। थोड़ी सी देर पहले ही आए हैं और अभी जो है जाने की तैयारी है भाभी लोग की भी। हाँ, दोनों की शक्ल बिल्कुल अलग है। तो गाइस, अभी जो है मैंने आज सुबह से तो अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, पर मैंने अभी सोचा कि चलो आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि भाभी है और आप में से बहुत सारे लोगों ना मेरी एक दो वीडियो में इनको देखा होगा, जहाँ हम मेरठ में रहते थे। तो वही वीडियो में भी है, होली की वीडियो में भी है, और एक वीडियो न्यू ईयर वाली प्रोडक्ट वाली जो बनाई। हाँ, प्रोडक्ट वाली भी थी और एक न्यू ईयर पे हुआ था उसमें भी। तो ये भाभी है, मतलब कि हमारे पास ही रहती थी, तो अभी आज ही मुझसे मिलने आई है, और इन्होंने अपना चैनल भी बनाया है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि प्लीज आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल का नाम बता दें, पूजा व्लॉग्स। मेरे चैनल का नाम है पूजा व्लॉग्स। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे साथ इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। तो मैंने प्रिया को देख के चैनल खोला है, ये प्रिया से ही मैंने मोटिवेट हुई हूँ मैं। तो जब प्रिया मेरठ थी तभी चैनल खोला था, और आज बहुत टाइम बाद मैंने कहा चलो मिलके आते हैं प्रिया से, तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और देख रही हूँ तबियत भी खराब है, फिर भी मेरे लिए प्रिया बैठी है। सुबह से बीपी बहुत लो हो रहा है, तो ये मैंने आप लोगों से भी मम्मी का तो हाई आंटी का हाई हो रहा है, मम्मी का तो हाई। आज मम्मी भी आई हुई थी, मम्मी की भी थोड़ी सी तबियत ठीक नहीं है, दावत में आए थे आज, शादी थी, तो मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भाभी लोग भी आ गए। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब कि इतनी दूर से आए हैं, और थोड़ा सा वो भी हो गया था इनको घर, गांव ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई, घर ढूंढने में तो दिक्कत नहीं हुई। हाँ, घर ढूंढने में नहीं दिक्कत हुई, तो गांव ढूंढ, हम गलत गांव पहुंच गए थे जी। तो अब मैं आप लोगों से सभी से बोलूंगी, जो भी मेरे व्यूवर्स जो है जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इनके चैनल को सपोर्ट करें जी। और देखिये होते हैं, मतलब की जरूरत होती है, और आप लोगों के बिना, आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर हमारे थ्रू कोई भी, मैं तो ये चाहूंगी कि अगर मेरे थ्रू कोई भी आगे जाता है, किसी की थोड़ी भी परेशानी कम होती है, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा वो मानूंगी। तो प्लीज आप पूजा ब्लॉग्स को जरूर देखिएगा और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, वो अब जा इसके अपनी के स्कूल खुल जाएंगे ना भी। हाँ, तो बस अब चली जाऊंगी वो अभी। हाँ जी, हाँ जी, बाड़ा भी पढ़ाने, बुआ जी जाना तो है जी, गुजारा भी हमसे ही है जी।
और अभी जो है यहाँ पे मैं बैठी हूँ, दीदी बैठी हैं, बच्चे अपना फ़ोन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे। तो मम्मी पापा जो है, अभी एक हमारी ताई जी हैं वो बीमार हैं तो उनके पास गए हैं, तो हम दोनों जो हैं यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। और हमारे में पति देव जो है वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो आज उनकी छुट्टी थी, हमने कहा चलो थोड़ा बहुत काम करेंगे। वैसे पहले ना हमने सब लोगों ने मिलके थोड़ा थोड़ा सा काम किया, दीदी ने जो है वो खाना पीना किया और फिर सब लोग आ गए थे। जब देखे कोई आता है तो सभी लोगों को मिलकर के काम वाम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा जी दीदी बच्चे सब लोग बैठे हैं और हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। तो मम्मी और पापा को भी इन्हीं सभी लोगों को जाना भी है, और मम्मी जो है आज ही से बोल रही थी रुकने के लिए, पर अभी घर कुछ काम है तो मम्मी को आज तो जाना पड़ेगा वापस ही। नहीं अब तो रह 10 दिन रह रहे, अरे फिर भी तय ऐसा हो जाए ना। अभी सब लोग चले गए हैं और मैं अपना जो है वो काम में लग गई, थोड़ा थोड़ा सा काम में लग गई, किचन विचन थोड़ा बहुत क्लीन किया और पानी वानी भरा है मैंने ताज़ा अभी, और अभी जा रही हूँ मशीन चालू करने। ये पाइप जो था ना मशीन का, और मैं कह रही आज मैंने दोपहर से मशीन लगा रखी, सब लोग आए हुए थे तो मेरे ध्यान भी नहीं रहा इसको चेक करना, आज कपड़े ही नहीं धुले। ये पाइप जो है मैंने मशीन पर टांग दिया था, और ये पाई, अब मुझे नहीं पता मशीन का कुछ बिगड़ा होगा या नहीं, क्या है वही 43 मिनट ही दिखा रहा है, तब से इसकी भी क्या गलती, देखती हूँ अभी। बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई थी, मेरे ध्यान ही नहीं रहा पाइप, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ ना ऊपर, वो पाइप मैंने ऊपर लगा दिया और अभी ये अजीब सी आवाज़ करती है जब वो होता है ना, तो अजीब सा वो करती है ये। फिर मैं उठ के आई, मैंने कहा ये मुझे टेंशन सी हो रही है मशीन में पानी की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और मांटू जो है वो गई है मार्केट अपने पापा के साथ में, क्योंकि कल से जो है स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है सच में हम लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए सच में, बच्चे स्कूल जाए अच्छा लगता है, बच्चे स्कूल जाए पति अपने काम पे जाए उसमें एक अलग ही सुकून होता है। तो सुबह के टाइम में मांटू अपना स्कूल जाएगी, इसके पापा अपना कोर्ट जाएंगे। आज बहुत सारा काम करने का वो था पर हुआ नहीं, क्योंकि जब कोई अपने घर आता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है निकलना कहीं के लिए भी, तो कोई बात नहीं काम बाद में हो जाए। चली तो है मशीन, बड़ी टेंशन सी हो गई, मुझे निकालनी है मांटू की यूनिफॉर्म भी, सुबह के लिए उसकी ड्रेस जो है वो प्रेस होनी है, रखी तो मैंने अलग ही है, मेरी याद है मैंने अलग ही रखी थी, उसको अपना बैग वैग भी लगाना है आगे। वैसे तो उसने ना अपनी सारी बुक यहाँ पे रखी हुई है अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में तो फिर हम उसकी किताबों का अलग ही वो रखेंगे, आगे क्लास बढ़ती जाएंगी बच्चे की है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो चलो मैं पहले ना उसके वो निकाल देती हूँ, यूनिफॉर्म प्रेस होनी है उसके कपड़ों को भी। तो उसकी यूनिफॉर्म निकल गई है आके, इन पे प्रेस हो जाएगी, फिर अपना बैग वैग लगा लेगी। चल गई मशीन, मुझे बहुत टेंशन सी हो रही थी, अब तो धुल जाएंगे, हो जाते हैं यार मिस्टेक भी है ना। और एक चीज़ मैं और दिखा देती हूँ, वो भाभी आई थी ना मैं जिनका बता रही थी, वो बना के लाई हैं पनीर,
और शाही पनीर है, देखने में ही बड़ा टेस्टी लग रहा है ये। तो आज शाम को मैं भाभी कहती खा लो, मैंने कहा आज हम ना शाम को खाना पीना नहीं बनाएंगे तो यही खाएंगे। चलो मैं ना बाहर की लाइट भी जला देती हूँ, अंधेरा हो रहा है बाहर। तो ये जला दी, ये जल गई, ये बाहर की लाइट मैंने जला दी है और एक जला लेती हूँ अंदर की, बस इतना बहुत है, है ना। अंधेरा हो रहा था, मांटू अपने शूज़ निकाल के रख के गई है क्योंकि उसको साफ़ करने हैं। गेट बंद क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो ये सब्जी रखी हुई है शाही पनीर, और इसमें शायद दोपहर का थोड़ा सा आटा भी है, थोड़ा सा ही मुझे लगाना पड़ेगा, दूध अभी नहीं आया है। इसको ढक देती हूँ। अभी रखी हुई है सारी, मैंने फ्रिज से निकाल के रखी हुई है, तो मुझे मलाई भी करनी है। अब तो ये कल ही होगी क्योंकि अब ना लेट हो गया है तो अब नहीं हो पाएगी। अभी मांटू और उसके पापा मार्केट से नहीं आए हैं क्योंकि वो अपना लंच बॉक्स लेने के लिए गई है, और एक दो चीज़ें और थी, उसको अपनी जो शू पॉलिश है वो लानी है, और एक दो चीज़ें वो और बता रही थी, स्कूल की बता रही थी अपनी, तो वो लेने के लिए गई है। और जब वो लोग आ जाएंगे तब मैं बनाऊंगी रोटी, हाँ रोटी रोटी बनानी है मुझे, तो मैं उन्हीं लोगों का वेट कर रही थी। और एकदम से ना जब सब लोग आते हैं और एकदम से जब चले जाएं तो घर बहुत सूना सूना सा और खाली खाली सा हो जाता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाह रही हूँ और शायद आगे ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगी भी नहीं, बट मैं कोई भी रिश्ता चाहे कोई भी हो, मैं चाहे मेरा मेरे हस्बैंड के साथ में हो या मेरे हस्बैंड का मेरे साथ में, या मेरा मेरे मायके वालों के साथ में या मेरे मायके वालों का मेरे साथ में, मेरा मेरे ससुराल वालों के साथ में या फिर मेरे ससुराल वालों का मेरे साथ में, या फिर मेरी फ्रेंड का मेरे साथ में, और दोनों तरफ से, मतलब मेरी फ्रेंड का मेरे साथ में, मेरा मेरी फ्रेंड के साथ में, रिश्ता चाहे कोई भी हो, एक तो उसमें गलत फहमियाँ नहीं होनी चाहिए और एक उनमें मनमुटाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए रिश्ते जो होते हैं ना वो एक बहुत अनमोल चीज़ होती है हमारे लिए, अगर हो भी जाती है, हमने माना बाय चांस कुछ चीज़ें हो भी गई हैं, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत मनमुटाव, थोड़ा बहुत गलत फहमियाँ हर एक रिश्ते में हो जाती है, चाहे कोई कितना ही प्यारा रिश्ता क्यों ना हो। देखिए माँ और बच्चे का रिश्ता कितना प्यारा होता है, उसमें भी कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अगर हुआ है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई भी छोटी मोटी रिश्तों में गलत फहमियाँ हैं उनको भी दूर करनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा टाइम हम खुश रह के साथ रह के प्यार से काट सकते हैं, उतना अच्छा वक्त जो है हम मनमुटाव से नहीं काट सकते हैं। तो कभी भी रिश्तों में गलत फहमियाँ या मनमुटाव नहीं होना चाहिए, जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि अगर हुई है, हमने माना हम ही से कोई गलती हो गई, या हमने माना हम ही से कोई मनमुटाव हो गया, या हम ही से कोई ऐसा है कि गलत फहमियाँ हैं, तो उनको बहुत ही जल्दी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने रहते हैं, तो उनको बना के अच्छे से अच्छा रखना चाहिए। तो कोशिश हर एक इंसान को करनी चाहिए उसको अच्छा बनाने की। तो यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था, छोटी सी मुझे बात करनी थी, है ना, और इसी के साथ में वीडियो का एंड भी करना था। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।